अज आपां नौवीं जमात के दूजे पाठ का एक विषय पढ़ांगे भौतिक रसायनिक परिवर्तन। इन दोनों दे विच की अंतर है अते ए की हुंदे हन। भौतिक परिवर्तन पदार्थ की बनतर दे विच बिना परिवर्तन किते उन्हां दे रसायनिक गुणां दे विच कोई बदलाव नहीं आउंदा। भौतिक गुण वह हुंदे हन जो आपां नूं बाहरों देखण तों दिखाई दिंदे हन, वह भौतिक गुण ने। अते जो उन्हां दे रसायनिक गुणां विच परिवर्तन आउंदा है वह उन्हां दीआं क्रियावां राहीं सानूं पता लगदा है, जिवें कि बर्फ, पानी अते जलवाशक। यह भौतिक गुणां नूं दर्शाउंदे हन अते वख वख भौतिक गुणां नूं दर्शाउंदे हन। आपां बर्फ, पानी अते जलवाशक तिन्ने ही देखे हन। बर्फ जदों इस नूं बहुत घट तापमान दे उपर रख्या जांदा है तां यह जमी हुई अवस्था दे विच मिलदी है। पानी द्रव या तरल अवस्था दे विच हुंदा है अते जदों पानी नूं उसदे उबाल दर्जा 100 डिग्री सैलसीयस ते गर्म किया जाता है तां उह जलवाशक दे विच तब्दील हो जाता है। सो तिन्ने ही भौतिक अवस्थावां हन पर इन्हां दे रसायनिक गुण एक समान हन, यानी कि तिन्हां दा रसायनिक सूत्र H2O ही है। इस दे विच दो अणु हाइड्रोजन दे अते एक अणु ऑक्सीजन दा है। बर्फ, पानी अते जलवाशक इस दे तीन वक्रे वक्रे भौतिक परिवर्तन हन पर रसायनिक गुणां दे विच कोई बदलाव नहीं आउंदा अते इस विच कोई नवां पदार्थ भी नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन नूं आसानी दे नाल उलटाया जा सकता है, भाव बर्फ नूं गर्म करके उसनूं पानी दे विच बदलिया जा सकता है। पानी नूं 0 डिग्री सैलसीयस तापमान ते लिया के उसनूं बर्फ दे विच बदलिया जा सकता है। जदों पानी नूं 100 डिग्री सैलसीयस ते करांगे तां उह जलवाशक दे विच बदल जांदे हन अते जदों जलवाशक नूं ठंडा किया जाता है तां उसनूं दोबारा पानी दे विच बदलिया जा सकता है। सो भौतिक परिवर्तन नूं उलटाया जा सकता है। इस दे विपरीत रसायनिक परिवर्तन, इन्हां परिवर्तन दे विच पदार्थ दे रसायनिक गुणां दे विच परिवर्तन आ जाता है अते एक नवां पदार्थ बनता है। जिवें कि एक उदाहरण है खाना पकाउणा, तां इह एक रसायनिक परिवर्तन है जिस विच इस परिवर्तन नूं उलटाया नहीं जा सकता। दूजी इस तरह की उदाहरण है लोहे नूं जंगाल लगना। लोहे दीआं वस्तुआं जेकर हवा अते पानी दे संपर्क दे विच लंबे समय लई आउंदियां हन तां उन्हां दे उपर हल्के भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिस नूं जंग लगना या जंगाल लगना कहा जाता है, जिस नाल रसायनिक गुणां दे विच परिवर्तन आ जाता है अते इस परिवर्तन नूं उलटाया नहीं जा सकता। एक होर उदाहरण है मोमबत्ती दा जलना। यह एक भौतिक परिवर्तन भी है अते एक रसायनिक परिवर्तन भी है। यह इस नूं दोनां दी उदाहरण दे विच लिया जाता है। अगे आपां पढ़दे हाँ तत् बारे, जिस दे विच तातां, अतातां अते उपतातां। तातां दे विशेष गुण ये हन कि तातां ठोस अते कठोर हुंदियां हन, जिवें कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा। ये तातां दीआं कुछ उदाहरणां हन। तां ये आम जिवें कि लोहा सब ने देखिया होएगा, ये ठोस अते कठोर हुंदा है। अतातां ठोस अते कठोर नहीं हुंदियां। इस दीआं कुछ उदाहरणां ने जिवें कि ऑक्सीजन जो कि एक गैस है वह ठोस अते कठोर नहीं हो सकती, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारियां ऐ तातां हन। तातां सुरीली धुनी पैदा करदियां हन, ऐ तातां सुरीली धुनी पैदा नहीं कर सकदियां। तातां दे विच कुटीन योग्यता अते खिचीन योग्यता हुंदी है, जिवें कि लोहे दी चादर नूं कुट के उस दा परिवर्तन किया जा सकता है, उस तो किल बनाया जा सकता है या तांबे तो पतलियां चादरां बनाईयां जा सकदियां हन। यह तातां नाल अजिहा नहीं किया जा सकता। तातां ताप अते बिजली दीआं सुचालक हुंदियां हन, यानी कि उन्हां दे विचों बिजली दा प्रवाह आसानी नाल हो सकता है, इस लई बिजली दीआं तारां दे रूप विच इन्हां दी वरतों कीती जांदी है। यह तातां दी वरतों नहीं कीती जा सकती। उस तो बाद एक अलग किस्म दे तत् हुंदे हन जिन्हां नूं उपतातां कहा जांदा है, जो कि तातां अते अतातां दे विचले गुणां नूं दर्शाउंदियां हन तां उन्हां नूं उपतातां दे विच रख्या जांदा है। कुछ विशेष गुण तातां दे वेखण नूं मिलदे हन अते कुछ गुण अतातां दे वेखण नूं मिलदे हन। उदाहरण जिवें कि बोरोन,
सिलिकॉन अते जर्मेनियम।